जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 8 अप्रैल 2024 को हमारे भारत देश में साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि नवरात्रि के दिन यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो हमारे भारत देश में दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि यह जो सूर्य ग्रहण है वो किन राशियों पर असर डालने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको ग्रहण के दौरान कौन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने हैं और इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, हमारे भारत में मान्य रहेगा या फिर नहीं मान्य रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों यह सूर्य ग्रहण कितना ज्यादा खतरनाक है यह भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो अगर आप 20 साल 2024 के लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में हर एक जानकारी विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि 8 अप्रैल 2024 को यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि इस सूर्य ग्रहण को लेकर के हमारे अमेरिका से भारत के लोग टेंशन में हैं क्योंकि यह सूर्य ग्रहण 5400 साल बाद हमारे भारत देश में लगने जा रहा है, इसलिए यह सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों बता दें कि 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर के लोगों के मन में डर का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले 54 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि यह सूर्य ग्रहण दिखाई देने जा रहा है और इतना भयानक यह ग्रहण है। असल में बता दें कि इस सूर्य ग्रहण की डरने की वजह यह भी है कि पिछले 54 सालों के बाद यह बहुत बड़ा लंबी अवधि के बाद ग्रहण लग रहा है और शायद इसीलिए इस सूर्य ग्रहण को लेकर के सभी लोग चिंतित में पड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें कि इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट रहेगी। दोस्तों बता दें कि यह हमारे भारत देश में सुबह तो सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन बता दें कि यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन बता दें कि इसका रात में असर पड़ने वाला है, इसलिए यह सूर्य ग्रहण हमारे अमेरिका को छोड़ करके भारत देश में यानी कि अपने देश में यह सूर्य ग्रहण रात को 9 बजे लगेगा। दोस्तों बता दें कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण तो दिन में लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पूरी तरह से अमेरिका में दिखाई देगा, हमारे भारत में केवल इसका सूतक काल ही मान्य होगा, इसलिए यह सूर्य ग्रहण हमारे दिन में न लग करके बल्कि रात में लगेगा। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों बता दें कि यह 5400 साल बाद यह ग्रहण हमारे भारत देश में चैत्र नवरात्रि के समय लग रहा है। दोस्तों बता दें कि इसका सूतक काल दिन में शुरू हो जाएगा और रात में आपको कहीं भी बाहर घूमना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जैसी यह रात के 9 बजे सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा तो आपको कोई भी देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करना है और बता दें कि सुबह होते ही आप तुरंत स्नान कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के दौरान मेष राशि, वृश्चिक राशि, इसके अलावा मीनू राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, इन सभी राशि के जातकों पर यह सूर्य ग्रहण असर डालेगा, तो आप अपने नाम की राशि के दौरान इस सूर्य ग्रहण में बचकर रहिएगा। दोस्तों बता दें कि इस सूर्य ग्रहण को लाइव आप कैसे देख पाएंगे, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूं जहां पर आप क्लिक करके इस सूर्य ग्रहण को लाइव देख पाएंगे। तो आई होप आपको इस सूर्य ग्रहण के बारे में सारी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अब भी कुछ इस सूर्य ग्रहण से कोई भी संबंधित डाउट या कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे सीधा कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।